कौशाम्बी जिला के अमीन का पूर्वा गांव के लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। गांव में विकास कार्य के ना होने से ग्रामीण खासा नाराज है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव में नाली, खंजा, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक वो वोट देने नहीं जाएंगे। गाँव के लोग विकास नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किस लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं वोट का? ये सर जी, हमारे गांव में करीबन 10 साल से समस्या है, जो जल भराव की आप खुद ही देख रहे हैं। ये यहाँ पे मूर्ख मार्ग है गांव का, इसमें क्या कहते हैं, हमेशा जल भराव रहता है। प्रधान, अभी एक बार हम लोगों ने मीडियम, आप लोगों के माध्यम से इसको बात को ऊपर पर तक पहुंचाने का प्रयास किया, जहां तो उसको जानकारी हुई तो इसको इसने पानी इसका निकलवा दिया, तो पानी फिर से पूरा गढ़े में पूरा फुल हो चुका है। अभी भी न नाली न नाला कुछ भी, अभी तक जो है कि ना हमें लिखित ना आश्वासन कुछ भी नहीं मिला। हम लोग चाहते हैं कि आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमारी ये बात पदाधिकारी तक पहुँचे और इसमें कोई कार्रवाई हो, जिसके तहत या तो नाली या तो नाला या तो जैसे भी हो, जो जल भराव की समस्या है इसका निवारण हो, यही हमारी मांग है। प्रधान, अपना नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। चुनाव बहिष्कार का कारण है, हमारे गांव में जो मेन मुख्य मार्ग है उसमें जल भराव कारण है। इसकी वजह से बच्चों को विद्यालय जाने में समस्या होती है। इस वजह से हम इस बार 2019 का चुनाव बहिष्कार करने का, पूरा गांव समाज इकट्ठा होकर बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। जब तक हमारे गांव का विकास नहीं होता, नाली या नाले का या इस गढ़ाही का विकास नहीं होता, इसकी खुदवाई नहीं होती या नाली का निर्माण तालाब में ले जाया जाए, तब तक इस बार आने वाले चुनाव में हमारा पूरा गाँव वोट देने के लिए सहमत नहीं हो रहा है। नाम बता दीजिए। शैलेंद्र सिंह।